जो निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप सब जानते हैं हाल ही में कानून में और नियमों में व्यापक परिवर्तन हुए। व्यापक राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत कम समय में उन संशोधनों के साथ अपनी तैयारियां की हैं और जो हमें लास्ट में हुए थे हमने उनको भी शामिल किया अपने कैरिकुलम में, हमने ट्रेनिंग में शामिल किया, हमने जिलों तक वो बात पहुंचाई, हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बात बीच में पहुंचाई। दो दिन बाद फिर बैठक कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी बात के नियम में मामला ना हो, किसी जानकारी हमको नहीं थी, चाहे वो मतपेटी का मामला हो, चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव का मामला हो, चाहे चुनाव खर्चे का मामला हो। आप सबको बता दूं कि मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े प्रत्याशियों का, इतनी बड़ी तादाद का आप चुनाव खर्च का हिसाब कैसे रखेंगे। बड़ा चुनौती थी क्योंकि अभी आप देखते थे केवल पार्षद का अध्यक्ष का था और उसकी संख्या होती थी लगभग 500-700 बस। अभी हमारे हमें आपको बताऊंगा आगे लगभग 3000-3500 कुछ कम है उसमें, लेकिन एवरेज अगर 5 मानते तो 15000 कैंडिडेट का हिसाब रखना, हम 15000 अभ्यर्थी का हिसाब रखना बहुत बड़ा काम है, कठिन काम था, लेकिन हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई किया, सरलीकृत किया और उसी का परिणाम है कि आज हमारी जो जिले की टीम है वो आज ट्रेंड है। हमने उनकी कई दौर की ट्रेनिंग की है, एक दिन पूरे निर्वाचन आयोग की टीम में स्वयं हम अंबिकापुर जा चुके हैं, कल हमारी ट्रेनिंग बिलासपुर में थी, एक दिन यहाँ रायपुर में हुई है और आगामी दिनों में दुर्ग में होगी और बस्तर में होगी। संभागीय स्तर पर ट्रेनिंग और समीक्षा आयोग ने पहली बार किया है, उसकी वजह ये थी कि जो परिवर्तन हुए हैं उसकी जानकारी जनसाधारण को हो, तो हमने प्रेस से भी बात की है ताकि पर्याप्त स्थान मिले लोगों को, उनको जानकारी प्राप्त हो और उनको कहीं अपना नामांकन भरने में, मतदान करने में, और मेरा कहना है कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में, पूरी इलेक्शन प्रोसेस में कहीं कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। ऑनलाइन के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उनको डेली सूची अपडेट होती जाएगी, वो आपको बता पाएंगे हाँ इतने फॉर्म आ गए हैं, इसका इसने जब वापसी होगी ऑटोमेटिक वापस करेगा, वो अपने आप सूची बनाएगा। तो बड़ी अच्छी तकनीक से था, उसको हम दिखाने की कोशिश की थी हमने जागो ये दोनों चीज़ों को, लेकिन वो आप सभा का हमें अच्छा लगा, चलो कम से कम बोली तो आप सभी इतनी तादाद में आए तो बोलो गया तो कभी और मौका लगेगा आप सबसे बात करेंगे उसके बारे में। तो आपको उसको ऑनलाइन नॉमिनेशन नाम है उसका, ऑनलाइन नॉमिनेशन हमने उसको नाम दिया है संक्षिप्त में ऑनो। एक हमने बताया आपको निर्वाचन व्यय संपरीक्षक, ये पोस्ट पहली बार क्रिएट किया आयोग ने, ये पहली बार नया पद सृजित किया है, निर्वाचन व्यय संपरीक्षक इंग्लिश में है इलेक्शन एक्सपेंडिचर कंट्रोलर। ये वो लोग हैं जो अभ्यर्थियों के पार्षद पद के अभ्यर्थियों के खर्चे पर नियंत्रण रखेंगे, उनकी जांच करेंगे, शिकायतें भी देखेंगे, तमाम प्रकार की कार्यवाही। रायपुर नगर निगम है तो ज्यादा लगेंगे, कोई छोटी नगर पालिका है वहाँ कम लगेंगे, नगर पंचायत तो कम लगेंगे, हमने वो काम कलेक्टरों को छोड़ रखा है, कलेक्टर उसको देखेंगे कि कितने लोग लगाना है। लेकिन जो आपको बता देता हूँ मैं कि ये बड़ा चुनौती वाला काम था, हमने अपने अलग से एक ऑर्डर पास किया, हमने आदेश में लिखा ये व्यवस्था रहेगी, दो ऑर्डर पास करना पड़ेगा आयोग को, इसके अलावा ट्रेनिंग लगातार जारी है और ये बड़ी चुनौती वाला काम था। मुझे पूरी उम्मीद है, आयोग को उम्मीद है कि निर्वाचन व्यय के काम में आयोग सफल होगा और जो अभ्यर्थी है उनको भी, ये बात और जोड़ना चाह रहा था मैं, अभ्यर्थियों को भी अपना खर्चा का हिसाब दिखाने में कोई तकलीफ ना हो, उनको समय ना लगे, उनको यहाँ भटकना ना पड़े। पर्याप्त संख्या में हमने कहा कि निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की टीम बनाइए, उनकी संख्या बढ़ाइए ताकि कम से कम कोई 40 का 50 का इतना हिसाब देख सके, उसको इंतजार ना करना पड़े, उनके दिन अलग निर्धारित करें, जब आप देखेंगे काम चलेगा तो आपको लगेगा वो व्यवस्था ढंग से काम कर रही है। उस पर आता हूँ ना, पहले अभी जो तैयारी की है उसको बताना है ना। ये बताओ कुछ हमारी बातें भी तो है, आपकी बातें भी करेंगे, 5 मिनट तो हुआ है अभी है? वो उस पर आता हूँ ना, एक अंतिम बात बची है कि आपको एफिशिएट करेंगे ना, आपने देखा चूंकि अब मतपेटी की बात चली तो मतपेटी की हमारी थैली होती थी उसको लोग कैसे पकड़ते थे, हमने उसको बदला,
कि जो मतदान दल है वो हमारे दल है, हमारे लोग हैं। तो हमने चेले के रूप में किया उसको, यहाँ ये लोग ले नहीं पाए उसको, आपको बताने के लिए रखा था, वो भी उसमें था, इस प्रस्तुतिकरण में वो भी था उसमें। आप उसको तारीफ करते के वास्तव में कितना ध्यान दिया हमने, और ये भी हमने बता आपको सब बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत कम वित्तीय भार में काम हुआ है, कहीं कोई आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये कैसे हो गया। तारीख पे आ रहा है, तारीख पे आ रहा है, तारीख पे थोड़ा सब्र रखो, तारीख पे आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस एक एक मिनट का काम है, तारीख पे आ जाता हूँ मैं आपको बताने के लिए कि कुल 151 नगरीय निकाय हैं, 10 नगर निगम हैं, 38 नगर पालिकाएं हैं, 103 नगर पंचायत हैं, 2840 वार्ड हैं जिनकी संख्या है। हाँ 10 नगर निगम, 38 नगर पालिकाएं, 103 नगर पंचायत, इनके कुल वार्ड 2840 2840 कुल निर्वाचक है 39,82,601 ये निर्वाचक है, मतलब मतदाता। ये इसमें दो उप, एक भिलाई में और एक बीरगांव में, भिलाई के दो वार्ड में, एक बीरगांव के, तीन वार्ड में उपचुनाव भी हैं, इसका कार्यक्रम भी हम आज ही जारी कर रहे हैं। कुल मतदान केंद्र हमारे हैं 5,606, ये तो आप जानना चाहेंगे, 5,406 ये मतदान केंद्र हैं, अलग 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 स्पेसिफाई हैं। और हाँ 21,000 मतदाता हमारे उपचुनाव में हैं, तो लगभग 40,00,000 मतदाता इन चुनाव में अपने मतदान अधिकार का उपयोग करेंगे। अब आपकी फरमाइश डेट के ऊपर ज्यादा है, निर्वाचन की जो अधिसूचना होती है कलेक्टर लोग जारी करते हैं, वो जारी होगी 30 तारीख को, 30/11 आज घोषणा है, 30/11 को नोटिफिकेशन होगा, 30 तारीख को ही आरक्षण की सूचना लगेगी सूचना पटलों पर जिलों में, 30 तारीख को ही, 30 तारीख को ही मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन होगा, ये तीन चीजें 30 तारीख को होगी। 6 दिसंबर को 30 तारीख से प्रारंभ होगा नॉमिनेशन फॉर्म का भरना, 30 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, 30 तारीख से नोटिफिकेशन की डेट से ही नामनेशन पत्रों की प्राप्ति का काम प्रारंभ हो जाएगा। 6 दिसंबर को इसकी अंतिम तारीख है, नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 6 दिसंबर। संवीक्षा इसको हम स्क्रूटनी बोलते हैं, स्क्रूटनी 7 दिसंबर, इनका समय है 10 बजे से है, वो 3 बजे तक था, 7 तारीख को ठीक 10 बजे स्क्रूटनी का काम प्रारंभ हो जाएगा पूरे राज्य में। वापसी की तारीख अभ्यर्थिता वापसी की तारीख 9 दिसंबर 3 बजे तक, 9 दिसंबर 3 बजे तक, अभी हम आपको देंगे भी, वो हमारे लोग लेके आ रहे हैं अभी, आपको सबको सबको देंगे, पूरा फोल्डर देंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची का प्रकाशन, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फाइनलिस्ट, ये 9 दिसंबर को ही विड्रॉल के बाद अभ्यर्थिता वापसी के तुरंत बाद तिथि का आवंटन होगा और अंतिम सूची तैयार हो जाएगी। मतदान की तिथि डेट ऑफ पोल 21 दिसंबर रात 8 बजे से 5 बजे तक 21 दिसंबर एक उसमें एक करा और है 21 दिसंबर को रात 8 बजे से 5 बजे तक उसमें कोंडागांव नारायणपुर कांकेर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर में स्थित नगर पालिकाओं के लिए 21 दिसंबर को ही सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक उसमें एक घंटा हमने पहले किया है एक घंटा वहाँ 2 घंटे कम किया है 7 से 3 कोंडागांव नारायणपुर कांकेर दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर यहाँ 7 से 3 वापसी के लिए थोड़ा उनको जल्दी वापस क्योंकि अभी दिन छोटे होते हैं वापसी जल्दी हो जाए उनकी 7 से 3 उसमें 8 से 5 है 7 से 3
डेट ऑफ काउंटिंग 24 दिसंबर एक ही चरण में होगा। ये परिवर्तन है आपकी बात में, 24 दिसंबर को काउंटिंग है रात 9 बजे से। इसको एक बार रिपीट कर दूं क्या मैं, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 20/11/2019 रात 10:30 बजे 10:30 मॉर्निंग। स्थान, सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 30/11/2019 पूर्वाह्न 10:30। मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन ये रिटर्निंग अफसर द्वारा है, ये अंतर है, वो है जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कलेक्टर, रिटर्निंग अफसर मतलब उस नगर पालिका से आरओ। 30 तारीख को ही पूर्वाह्न 10:30 बजे 10:30। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 30/11/2019 प्रातः 10:30 से अपराह्न 3 बजे तक 6 तक हो गए 10:30 to 3। इसकी अंतिम तारीख है 6/19 अपराह्न 3 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी होगी 7 दिसंबर को प्रातः 10 बजे 10:00। अभ्यर्थिता से नाम वापसी लेने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर अपराह्न 3 बजे तक क्योंकि इसमें स्क्रूटनी के बाद तुरंत वापस ले सकता है अभ्यर्थी, स्क्रूटनी हो जाती है इमीडिएट दे सकता है, लेकिन ये इसकी समय सीमा अंतिम समय सीमा है वो है 9 तारीख को 3 बजे तक। निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थियों की सूची का तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 9 दिसंबर को ही अभ्यर्थिता वापसी के तुरंत बाद 3 बजे के बाद ये काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतदान यदि आवश्यक हो तो, मैं कानून का प्रावधान है, मतदान यदि आवश्यक हो तो 21 दिसंबर 2019 दो कैटेगरी हैं 8 से 5 जो मैंने जिले गिनाए, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 24 दिसंबर प्रातः 9 बजे से। मेरी पूरी बातें हो गई हैं, अगर आप चाहें तो एक एक करके प्रश्न पूछे तो मैं सब। आचार संहिता हमारी घोषणा के बाद ही प्रभावशील हो जाती है, होगी हो गई एक एक पूछेंगे तो बताएंगे, हमारे पास वो आंकड़ा है। देखिए 5,406 मतदान केंद्र हैं, एक मतदान केंद्र को हम 2 पेटी देते हैं जस्ट डबल संख्या हो जाए। हमारी उम्मीद है कि हम दिन में पूरा कर ले, हमने किसी को बोला भी यार, पूरी कोशिश है कि काउंटिंग दिन में पूरी कर ली जाए, टेबल बढ़ाएंगे कुछ करेंगे। नोटा का ऑप्शन है, नोटा का ऑप्शन मतलब में भी रहेगा। कौन सा ना देखो मैंने आपसे कहा ना कि ऑनलाइन उसकी सुविधा के लिए है, उसको एक बार आना ही है, जो कानून की डिमांड है लॉ की रिक्वायरमेंट है वो तो उसको करना ही है, वो लॉ की बात है कि सुविधा के लिए है, सुविधा के लिए है कि आप वो आदमी चाहे तो सीधा भर सकता है, नहीं भरेगा ऑनलाइन, सुविधा दे रहे हैं उसको हम, तो चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं सुविधा को, अगर वो चाहे कि आपको नहीं भरना है सीधे भरना है तो लोग ने उसको एक बात तो आना ही है। हाँ मिलेगा ना, वो मिलेगा उसको, वो ऑनलाइन में भी है और बाकी में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपने ठीक प्रश्न पूछा। पार्षद का निर्वाचन संपन्न होने के बाद कुछ कानूनी प्रावधान है, उनकी पूर्ति के बाद में महापौर का चुनाव, स्पीकर का चुनाव, उसके बारे में आयोग को आगे कार्रवाई करना है,
और हम आयोग की उसमें पूरी तैयारी है, जानकारी में है कि किस निकाय की कार्यकाल कब तक समाप्त हो रहा है, कब तक बॉडी गठित हो जाना चाहिए निकाय, वो हम करेंगे, वो ध्यान में है। जो प्रोसेस रहता था वैसी प्रोसेस रहेगा, पार्षद चुनाव हो जाएंगे तो गजट में जाएगा, इसके अलावा हम पे डेट बताएंगे तो हमारे अधिकारी डेट अनाउंस करेंगे, उसका जो लीगल रिक्वायरमेंट है, विधि की जो मांग है, कितने दिन का नोटिस हम वो नोटिस करेंगे, सम्मेलन बुलाएंगे, उसमें चुनाव होगा, बॉडी गठित हो जाएगी। हाँ, इसके बाद होगी 28 तारीख को नहीं, आयोग तो अपना काम कर रहा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। एक एक करके पूछेंगे, बताऊंगा मैं, एक एक करके पूछेंगे। हाँ, देखिए 5,406 मतदान केंद्र हैं, 151 निकाय हैं, और हमने कई दौर की इसमें बैठकें की हैं, समीक्षा की है, और बड़े बड़े प्रदेशों में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं, बड़े बड़े प्रदेशों में आपने, हमने उसके लिए तैयारी की है, और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सबको सुविधा हो, हमारे सिस्टम को भी काम करने में सहूलियत हो, और हमने देखा कि एक चरण चुनाव संभव है, संसाधन उपलब्ध है हमारे पास में, सुरक्षा की बात भी हमने की संतुष्टि की, आश्वस्त हुए, इसके बाद ही हमने घोषणा की है कि पूरा निर्वाचन एक चरण में होगा। एक बात आपको और बता देना जोड़ना चाहता हूँ कि पहले जिले बहुत बड़े थे, आपने प्रश्न पूछा ना, पहले जिले बहुत बड़े थे, सुनिए आप जवाब, 27 जिले हैं आज, पहले जिले 7 जिले थे, फिर 9 हुए, फिर 16 हुए, तो दो चरण की मैं मानता हूँ, दो चरण में चुनाव होते आए हैं, 27 जिले हैं हमारे पास अभी, तो आप देखिए एरिया छोटा हो गया, नगरी निकाय एक जिले में कहीं 5 है कहीं 7 है, पहले 25-25 हुआ करती थी, वह चरण में करना पड़ता था, अब कि हमने देखा वो आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता है प्रभावशी हो गई है, उसका हम पालन सुनिश्चित करवाएंगे, उसका पालन होगा, उसके सुनिए तो उसके बारे में अभी हमारे पास टेंटेटिव जानकारी है, लेकिन हमने जो बैठ के ली है उनको बोला है कि जो इसमें स्थानीय चुनाव में आप देखते हैं कि जब वो प्रत्याशी तय हो जाती है अभ्यर्थी, उसको पता चल पाता है कि वास्तव में कौन है, अभी हमारे पास सूची है, जैसे हमने कहा ना, हमने बस्तर समय समय पर उसको रिव्यू करेंगे, और जो उसको सेंसिटिविटी जहां बढ़ेगी घटेगी वैसी नजर रखेंगे, उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे। एक कोई अब ये सुनो, हाँ जी, देखिए बैलेट पेपर से चुनाव हम पंचायतों के कराते आए हैं, अभी भी कराना है पंचायतों से, केवल 2014 में ईवीएम से चुनाव हुआ था नगरी निकाय का, इसके पहले भी वो चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं, पंचायतों को ईवीएम करा रहे थे, उसमें बहुत कोई अंतर नहीं है, हमने को कोई आपत्त कोई बहुत काम नहीं है। हाँ, मत पत्रों का मुद्रण वाला काम है, उसके लिए हमने व्यवस्था कर ली है, कागज आ गए हैं, प्रिंटिंग पेज तैयार हो गए हैं, वो सब बातों को हमने अंतिम रूप दे दिया है। नहीं देखिए, मतपत्र पहले भी छपते थे, ईवीएम से होने के आप लोग स्पष्ट कर दूं, ईवीएम से होने के बावजूद भी मतपत्रों की छपाई होती थी, वो संख्या कम होती है उसकी, नहीं इसका आकलन तो हमने नहीं किया है, लेकिन चूंकि अब तो एक आदमी को जैसे आपने कहा ना, एक चरण में कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एक मतदाता को एक वोट डालना है ना तीन पार्षद के लिए, उसका आकलन नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि खर्चा ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक मतपत्र है, खर्चा के दोनों अलग अलग है, क्योंकि ईवीएम में हमारे मशीन इंजीनियर वापस से बढ़ाते हैं, उसमें लगता है बैटरी लगती, पावर पैक लगता है, एफएलसी होती है, कमीशनिंग होती है, उसमें भी काम कम नहीं है। हाँ, उसमें भी काम कम नहीं है, उसमें भी खर्चे, अभी काम तो है चुनाव कराने का। उसके बारे में बात चल रही है,
पुरानी परंपराओं को हम देख रहे हैं कि जहां जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे उसके बारे में, उसके बारे में कहीं कोई समस्या नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी कई दौर की बैठकें हुई हैं तो हम आश्वस्त हैं उस बात को लेकर। इसी मैंने कहा तो आपसे और बात स्पष्ट कर रहा हूं कि वो परंपरा थी, लेकिन आप खुद देखेंगे कि जिले बहुत छोटे हो गए। किस जिले में तो एक ही इकाई है, एक नगरी निकाय है नारायणपुर में, कहीं दो है, कहीं तीन है, कहीं पाँच है, तो इसीलिए उसकी जरूरत नहीं थी। जी अमला तो पर्याप्त रहेगा, बजट पर्याप्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लाश बता देंगे हम। इसको वित्तीय आंकड़े लेकर नहीं बैठा हूँ मैं, अगर आप चाहें तो बता देंगे उसके बाद। हमले का संख्या तो लगेगा, लगभग 20,000 लोग लगेंगे हमको मतदान केंद्रों पर, और लगभग उतने लगेंगे और लगेंगे 20,000, तो 50,000 आदमी काम करेंगे इसमें। मैं अभी लोग अलग हो तो मैं कुछ कराऊंगा आपने। अगर आप लोगों को कुछ वो हो तो मैं कुछ दिखाऊं क्या उसको? अभी 4:30 बजाए किसी का कोई और सवाल? है उसके बारे में विचार करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ कराएंगे उसका, नहीं उसका देखेंगे उसका उपयोग क्या है। अगर उपयोग होगा तो कराएंगे, समीक्षा करेंगे उसकी। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया विज्ञप्ति है, आप ले लीजिए विज्ञप्ति। तो तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर राज्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का जो है ऐलान किया गया है, 21 दिसंबर को मतदान होगा, आपको बता दें, और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आपको बता दें कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, 21 दिसंबर को मतदान होगा, 30 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना, 24 दिसंबर को एक ही चरण में मतगणना होगी। आपको बता दें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। वहीं नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान आपको बता दें हो चुका है, 21 दिसंबर को मतदान होगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, तारीखों का ऐलान हो चुका है और क्या क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, तारीखों के ऐलान के साथ ही आज से जो पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के क्षेत्र हैं उसमें आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान आचार संहिता के सभी नियम जो होते हैं वो प्रभावी होंगे। मसलन इन इलाकों में जितने नगरीय निकाय हैं जहां जहां पर चुनाव होना है वहां पर किसी भी तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा।
और बहुत सारे जो चुनाव के समय जो एज यूजुअल नियम होते हैं वो सभी नियम कायदे लागू होंगे। और खास बात यह है कि इस बार चुनाव केवल एक चरणों में संपन्न कराया जा रहा है। 21 दिसंबर को मतदान की तारीख तय की गई है और उसके 3 दिन बाद 24 दिसंबर को जो है वो मतगणना की जाएगी। लेकिन इस बार जो अलग बात होगी वो ये कि इस बार ईवीएम की बजाय जो है मत पत्रों से चुनाव होना है, तो इसमें जो है काफी लंबी प्रक्रिया चलेगी। कई जगहों पर हो सकता है कि सुबह 9 बजे, जैसा कि समय तय किया गया कि सुबह 9 बजे से मतों की गिनती होगी, तो आमतौर पर पहले ये होता था कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे में नतीजे आ जाते थे, खासतौर पर वार्डों के नतीजे। कुछ जगहों पर महापौर में जहां पर ज्यादा मतदान होता था वहां पर 5-6 घंटा लगता था। लेकिन एक तो अंतर ये है कि इस बार महापौर के सीधे चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्षदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का निर्वाचन किया जाना है, इसलिए पूरे प्रदेश में केवल पार्षद चुने जाएंगे। तो ये है कि 10 से 12 घंटे जो मतों की गिनती है उसको पूरा करने में 10 से 12 घंटे लगेंगे, ज्यादा मानव संसाधन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जो है इस तरह से इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है वो कुछ मायनों में जो पिछले चुनाव थे उनसे अलग होगा। मनोज, जिस तरह से एक चरण में चुनाव होने जा रहे हैं यहाँ पर, तो जो नक्सली एरिया है वहां पर लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, क्योंकि ये नगरी निकाय का चुनाव है इसलिए जो शहरी क्षेत्र है क्योंकि वहां पर नक्सलियों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है, या कहें न के बराबर है। नगर पंचायत है, नगर पालिका है, चाहे नगर निगम इलाके हैं, ये सब शहरी क्षेत्र हैं। जो नक्सलियों का प्रभाव है वो दूरस्थ जंगलों में होता है, इसलिए यहाँ पर उतना भय जो है नक्सलियों का नहीं रहेगा। कुछ जरूर संवेदनशील क्षेत्र बताए गए हैं, खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि जो कुछ नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर वोटिंग का समय बताया कि सुबह 7 से 3 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी सुरक्षा को देखते हुए। तो कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहां जाने के लिए जंगली रास्तों का इस्तेमाल होता है, तो मतदान दल वहां जाएंगे, वहां से लौटेंगे, तो ये सब बातों को ध्यान जरूर रखा गया है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं उस समय शहरों के अलावा गांवों में भी वोट डाले जाते हैं, इसलिए उस समय ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जो है जिम्मेदारी उस समय होती है। लेकिन नगरी निकायों में चुनाव है इसलिए एक बड़ा सिरदर्द खत्म हो गया कि जो जंगली इलाके हैं, जो दूर दराज के गांव हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दल भेजे जाते हैं, वैसी कोई व्यवस्था नहीं करनी, केवल शहरी क्षेत्रों में ही चुनाव कराने हैं, इसलिए सुरक्षा कोई ज्यादा बड़ी चुनौती इस चुनाव में कम से कम नहीं है। मनोज, जिस तरह से ईवीएम छोड़ यहाँ पे बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा उस पर मतदान होगा, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का शुरू से आरोप रहा है, सबसे खासतौर पर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, भाजपा की सरकार बनी है, तब से ईवीएम को लेकर हमेशा कांग्रेस ने जो है वो एक आशंका जताई है कि ईवीएम जो है मैनिपुलेट हो जाता है, उसको मैनेज किया जा सकता है और इसके कारण चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। इस बात को लेकर लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो लगातार इस पर सवाल उठाती रही है। यही कारण है कि जब यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की जो है ईवीएम की जगह बैलेट का उपयोग होगा, मतपत्रों का उपयोग होगा। तो इस कारण से जो है कांग्रेस सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि मतपत्रों से चुनाव कराए जाएंगे, जिससे पारदर्शी तरीके से चुनाव की कराया जा सके और किसी तरह की मैनिपुलेशन की बातें जो समय समय पर आती रहती हैं कि ईवीएम को मैनेज किया जा सकता है, अपने हिसाब से नतीजे निकलवाए जा सकते हैं, तो उन चीजों को दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि मतपत्र के जरिए ही इस बार का चुनाव कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस जानकारी को साझा करने के लिए। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।